2007 में लखनऊ में एक आतंकी हमले को विफल करना, 2008 में मुरादाबाद में एक आतंकी शिविर का भंडाफोड़ करना, 2010 में वाराणसी में एक आतंकी हमले को विफल करना, 2013 में गोरखपुर में एक आतंकी हमले को विफल करना, 2016 में प्रयागराज में एक आतंकी शिविर का भंडाफोड़ करना। ये लिस्ट लंबी है। इसके अलावा ना जाने कितने दुर्दांत आतंकवादियों के एनकाउंटर भी उपलब्धियों में शामिल हैं। जानते हैं ये सारी उपलब्धियां किसके नाम है? ये है UPATS यानी उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधी दस्ता। करीब 2,43,286 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला अपना उत्तर प्रदेश और 2011 की जनगणना के मुताबिक लगभग 20 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या के साथ अपना ये यूपी न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा एकल पुलिस बल वाला राज्य है। इसी यूपी पुलिस की एक विशेष इकाई है UPATS। दरअसल ये उत्तर प्रदेश सरकार का एक विशेष बल है जो आतंकवाद और अन्य गंभीर अपराधों से निपटने के लिए जिम्मेदार है। UPATS की स्थापना 2007 में हुई थी और इसका मुख्यालय लखनऊ में है। इसके पास आतंकवादियों और अन्य अपराधियों को गिरफ्तार करने, उन्हें हथियार और विस्फोटक सामग्री से मुक्त करने और आतंकवादी हमलों को विफल करने के लिए व्यापक अधिकार है। अब सवाल उठता है कि हम आज UPATS की चर्चा क्यों कर रहे हैं? दरअसल सुरक्षा और आतंकी घटनाओं से निपटने के लिए देश की पहली महिला कमांडो बटालियन उत्तर प्रदेश में तैयार हो रही है। जी हाँ, UPATS में देश की पहली महिला कमांडो टीम को तैयार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जहां आतंकी घटनाओं से निपटने के लिए कमांडो टीम में महिलाओं की स्पेशल यूनिट तैयार की गई है। ये महिला कमांडो किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार की जा रही हैं। इन्हें UPATS के स्पॉट ट्रेनिंग सेंटर अर्थात स्पेशल पुलिस ऑपरेशन टीम के सेंटर पर प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके अलावा पुरुष कमांडो के साथ हर बैच में 6 महिला कमांडो तैयार की जा रही हैं। इन्हें AK-47 जैसे आधुनिक हथियार दिए जा रहे हैं। ग्लॉक पिस्तौल से लैस महिला कमांडो न सिर्फ दुश्मन पर नजर रखेंगी बल्कि जरूरत पड़ने पर सीधे उनसे लोहा लेंगी। ये देश की पहली महिला कमांडो टीम है जो आतंकी वारदातों से लेकर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए काम करेगी। यानी कुल मिलाकर NSG SPG की तरह ही UPATS की महिला कमांडो टीम भी VVIP सुरक्षा हो या फिर किसी ऑपरेशन को अंजाम देने की जरूरत, हर तरह की ड्यूटी को अंजाम देने के लिए अब तैयार हो रही हैं। खैर, इस एपिसोड में इतना ही। जाते जाते आपके लिए छोड़ जाते हैं सवाल। आपको कमेंट करके बताना है कि AK-47 का आविष्कार किसने और कब किया था। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।